रक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तमाम मुद्दों पर अपना और सरकार का पक्ष रखा है। कोरोना संक्रमण साथ ही कोरोना संक्रमण के लिए भोपाल में धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया। वहीं पंडित दीनदयाल जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल और कांग्रेस की संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश पर विश्वास सारंग ने खुलकर अपनी बात रखी है। सुनवाते हैं आप क्या कुछ कहा उन्होंने। कल लगभग 67,595 टेस्ट हुए जिसमें 16 पॉजिटिव आए हैं। ये हमारे लिए संतुष्टि की बात है कि लगातार कोरोना नियंत्रण में है और रिकवरी रेट भी अच्छा तेजी से बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी कम हो रही है। जो भूमिहीन है, जो जिनके पास स्वयं रहने की जगह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने निश्चित किया है कि हम उन्हें भू अधिकार देंगे और उसके लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और संभवतः ये देश की ऐसी योजना होगी जिसमें मध्य प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति को भू अधिकार मिलेगा, उसको रहने का छत मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ी योजना होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी घोषणा की है। हमारे वैचारिक रूप से जिन्होंने इस दुनिया में अंत्योदय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लक्ष्य और उसके कार्य पद्धति को प्रतिपादित करने के लिए एकात्म मानववाद दर्शन को प्रतिपादित किया और अंत्योदय के सिद्धांत को हम सबको सिखाया, उन्हें आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और दीनदयाल जी के विचार को आत्मसात करने के लिए पूरे प्रदेश में हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात के संकल्प के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। देखिए, हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हमने 17 सितंबर को मनाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी विगत 20 वर्षों से संवैधानिक पद पर है। वो पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब वो लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में जन कल्याणकारी और सुशासन की स्थापना करते आए। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से और 7 अक्टूबर वो दिन है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के संवैधानिक पद पर 20 वर्ष